मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं 18 दिसंबर से लगेंगी। ये निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने का फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। वहां विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध कक्षों के आधार पर प्राचार्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पहली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। ये निर्णय एमपी बोर्ड व सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस संबंध में 1-2 दिन में आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज विभाग के अफसरों की 3 घंटे चली बैठक के बाद ये निर्णय लिया। फैसला सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बैठक में पहले एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारियों और टाइम टेबल तय करने को लेकर चर्चा हुई। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि नियमित क्लास का सत्र कितना रखा जाए। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के कोर्स को लेकर चर्चाएं हुई। यदि कोर्स शेष है तो इसे पूरा करने की तैयारियों की जानकारी अधिकारी देंगे। इसके अलावा स्कूल खोलने और परीक्षा के पहले कोर्स पूरा करने को लेकर समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से कॉलेज खुलेंगे। इसकी शुरुआत प्रायोगिक कक्षाओं के संचालन से होगी। इसमें कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए 50% की क्षमता के साथ 3-3 दिन के लिए बैच निर्धारित करके कक्षाएं शुरू की जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में हुई उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 10 जनवरी से स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। 20 जनवरी के बाद पूरी तरह से कॉलेज खोलने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में आसानी हो, स्वरोजगार की दिशा में युवा बढ़ें। 200 कॉलेज के अधोसंरचना विकास की कार्रवाई शुरू की जाए जिससे विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं मिल सकें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक मध्य प्रदेश में कॉलेजों में कक्षाएं शुरू नहीं हुई थी और ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। कॉलेज खुलने के साथ सबसे पहले प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना आपदा का सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर भी पड़ा है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.